नमस्कार, फ्रीलांस फैशन विद मंचू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ पैंट का एक डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। पैंट मैंने अपनी तैयार कर ली है और मैंने 6 इंच का इसका नीचे का पार्ट को ओपन छोड़ा है। यहाँ पर मैंने स्टिच नहीं लगाया है, लेकिन इसके कॉर्नर पर हम 1/2 इंच का स्टिच और लगाएंगे। ये हमारे डिजाइन के लिए है ताकि यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर सकें। अब हम इस पर स्टिच लगाने के बाद इसको उल्टा कर लेंगे। अब सीधे हिस्से की तरफ से इसको फोल्ड करें और इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। और जो हमारा बैक पार्ट होता है पैंट का, उस पर हम स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। ये मैंने सिंपल सिलाई लगा दी है इस पर। कॉर्नर को पक्का कर दीजिए। अब जो इसका दूसरे वाला पार्ट है, उस पर हम एक राउंड शेप देंगे। स्मूथ हैंड से दें ताकि यहाँ पर कोई कॉर्नर ना बने। फिनिशिंग के साथ हम इस पर एक राउंड शेप दे देंगे। जो स्टिच है हमारा, दूसरे स्टिच के साथ मिल जाना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी गैप ना हो। ये मैंने अपना राउंड शेप दे दिया है। कॉर्नर पर ध्यान रखें, मशीन को बिल्कुल गोलाई अच्छे से दें, नहीं तो यहाँ पर कॉर्नर बनेगा तो वह देखने में बुरा लगेगा। अब हम इसके एक्सेस फैब्रिक को कट कर देंगे और जो हमने राउंड शेप दी थी उसके फैब्रिक को भी कट कर देंगे। एक्सेस फैब्रिक कट करने से यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आती है और हम छोटे छोटे कट दे देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। पहले हम कॉर्नर को फोल्ड कर देते हैं। ये 1/2 इंच का जो हमने सिलाई लगाई थी, ये इसी फोल्ड के लिए लगाई थी। इसको डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंगल स्टिच से कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और ये हमारी शेप कुछ इस प्रकार से आएगी। कॉर्नर वाली शेप भी हमने सीधी कर ली है। एक हमारा स्ट्रेट होगा, दूसरा हमारा राउंड शेप में होगा। इसको किसी भी नुकीली चीज़ से आप बाहर कॉर्नर निकाल दें। इसके कॉर्नर को फिक्स कर लें। अब देखिए, हमने इस पे आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। अब हम इसका नीचे सिलाई लगाने से पहले इसके आसन को जोड़ेंगे। दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते हुए मैंने स्टिच लगा दिया है और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। मोरी फोल्ड करने के लिए हम अंदर से सिलाई शुरू करते हुए इस पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई कॉर्नर पर ही लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कॉर्नर बनकर आएगा वहाँ पर सिलाई उसके ऊपर नीचे से नहीं, बिल्कुल इक्वल जानी चाहिए। यहाँ पर हमारा स्पेस कम होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टिच को कंप्लीट करें। ये देखिए, मैंने अपने दोनों स्टिच लगा लिए हैं और हमारी बॉटम तैयार हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए डिजाइन के साथ।